आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। विशेष आह्वान है, नमस्कार, कंचन टीवी पर जितने भी युवा साथी हैं, क्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र की पाल धर्मशाला में हम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महापंचायत का आज आयोजन किया गया था। विमुक्त है पिछड़ा वर्ग के द्वारा ये महापंचायत अनुसूचित जाति के द्वारा ये महापंचायत का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, जूते और चप्पलों से यहाँ मारा जा रहा है गुरुराम सिंह चडूनी के पुतले को। रोष है, काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कहा जा सकता है कि घुमंतु विमुक्त जाति के लोग यहाँ पर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर हैं और अब यहाँ पर आग लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में देखिएगा। एक वक्त था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो गुरुनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जी अरमान जी, जानना चाहूंगा आप यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस भी भाषण भी आपने दिया, इस पूरे मसले को लेकर क्या राय आप रखते हैं? मेरा यही है कि किसानों के नाम पे जो लोग उत्पात मचा रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर किसानों की मांग इतनी ही जायज है तो मैं सिर्फ इतनी राय दूंगी कि वो 2024 के इलेक्शंस का इंतजार करें, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति बना ले अगर मोदी जी इतने ही गलत है, इंतजार करें और देखें फिर अपना रिजल्ट। रिजल्ट तो सामने आने लगा है, 150 दिन से वो धरने पर थे। पहले हरियाणा में गुरुनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद के नारे लगते थे, उनको फूल मालाएं चढ़ती थी। आज गुरुनाम सिंह चडूनी की शव यात्रा निकाली गई है, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बदलाव तो देखने को आ रहा है हरियाणा में। वाह मात्र है, पब्लिसिटी स्टंट है सारे के सारे। जो असली किसान है वो अपने घरों में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन धरने दे रहे हैं और किसके पुतले फूके जा रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और जब सरकार खुद कह चुकी है कि अगर किसी तरह की बिलों में कोई दिक्कत है तो हम बैठ के सुलझाने के लिए तैयार हैं, आप बताइए क्या चेंज चाहते हैं, अमेंड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पूरी की तरह कहेंगे कि पूरा का पूरा बिल रद्द कर दो, उसे काले बिलों का नाम दे दिया, लोगों को पता भी नहीं कि काले बिल होते क्या है। ऐसे कल को बोल देंगे कि जम्मू कश्मीर छोड़ दो, फिर बोलेंगे कि ट्रिपल तलाक वाले आके खड़े हो जाएंगे कि ये भी रद्द करो। ऐसे तो जनसंख्या सरकार नाम की कोई चीज है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अकेले मोदी ने सब कुछ नहीं बना दिया है, असेंबली में प्रॉपर तरीके से रूल फॉलो किए जाते हैं। अरमान जी, आप खुद युवा हैं, साथ में वकील भी हैं, वकालत आपने पढ़ी है, कानूनों की अच्छी खासी आपको नॉलेज है, तो आपको नहीं लगता कि जो किसान वहां पर हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किसानों को तो नॉलेज ही नहीं है कि तीन कानूनों से आखिर नुकसान क्या है, फायदे क्या है? ऐसा ही है, इंसानियत से इंसानियत मरी जा रही है। लोग यही चाहते हैं कि दंगे फसाद हो जाएं, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है, बिल्कुल जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ फेसबुक हो, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, ऐसे लड़े जा रहे हैं। असली नॉलेज तो किसी को है ही नहीं, ना कोई जानना चाहता, सुनना ही नहीं चाहते। जैसे ना मेंढक की तरह बस टर 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 लगा रखी है, बिल रद्द करो, बिल रद्द करो, क्यों रद्द करो ये कोई जानना ही नहीं चाहता है, ये बात। अरमान जी, आप स्टेज पर जब थे तो महिला अधिकारों की आपने बात की, महिलाओं को आगे लाने की आपने बात की, उस पर आपके क्या विचार? महिलाओं को मुझे लगता है कि एक परिवार, दो परिवार, पूरा समाज महिलाओं से चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आदमी हैं या लड़के हैं, जहां कहीं भी आते हैं, पहुंचते हैं, अपने तक बात रखते हैं और चले जाते हैं। ये बात घर घर तक जानी चाहिए, जो बात मैं बोल रही हूँ ये मेरे परिवार को भी पता होनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनके सबके घरों में महिलाओं को, बेटियों को पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे ही समाज बन रहा है। तो इसलिए मैं उनको जागरूक रहने का मैसेज देती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे अरमान जी, वकील हैं हाई कोर्ट में और अच्छे वक्ता भी हैं, विभागी से अपनी बात रखती हैं और कहते हैं कि किसानों के नाम से जो उपद्रव हो रहा है बिना सोचे समझे ये काम हो रहा है। अगर उन्हें समझ है, अगर वो समझते हैं इन सब बातों को, तो क्यों ना वो इलेक्शंस में खड़े हों, अपने मुख्यमंत्री बनाए, अपने प्रधानमंत्री बनाए, ऐसा वो कहते हैं। आप देख सकते हैं काफी रोष है, रोष हो भी क्यों ना, क्योंकि किसानों के नाम पे जो उपद्रव हुआ है उसे कोई भी समाज, सभ्य समाज तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो भी हुआ गलत हुआ और निंदा की जाती है, समाज के द्वारा निंदा की जाती है। और यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो को शेयर करेगा और भाईचारा कायम रखने के लिए आप और हम प्रयासरत रहेंगे। कंचन टीवी भी भाईचारा कायम रखने के लिए प्रयासरत है और उम्मीद करेंगे आप सबसे कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कैमरामैन सहयोगी निखिल के साथ मैं यशपाल कंचन।
देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी। आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।